प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सागर में प्रथम नगर आगमन पर 1.5 किलोमीटर लंबी जन आभार यात्रा निकाली गई, जहां जिलेवासियों ने बुंदेली परंपरा के अनुसार उनका भव्य स्वागत किया। वहीं बुंदेली लोक नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया। देखिए रिपोर्ट। सागर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया, जहां सीएम ने पीटीसी ग्राउंड पर जन आभार सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित और राम मंदिर के मॉडल पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। मैं आज इस बात के लिए बड़े गर्व के साथ भी कहना चाहूंगा, इस बात के लिए क्योंकि जो बात चली है यहाँ सागर की धरती पर, सागर की वो धरती है जहाँ शिक्षा को लेकर के सर हरि सिंह गौर ने अलग अलग प्रकार से अपना जीवन की कई यात्रा और कई सारे मुकाम पर उनकी अपनी पहचान बनी, लेकिन उन्हें अपनी जन्मभूमि पर सागर की धरती पर अपनी सारी संपदा लेकर के यहाँ आकर के जो विश्वविद्यालय का दान दिया था, वाकई वो उससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है। आधुनिक समय के लिए वो इतना बड़ा सम्मान है, मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात कहूँगा। सागर के माध्यम से विश्वविद्यालय उस समय खोल दिया जब सागर के बारे में आज भी कई कठिनाइयाँ आती है, कई सारी चुनौतियां सागर और सागर के लोगों ने सहन की है। सागर ने हमेशा एक बात का साथ दिया, मैं उसका नमन करता हूं। आला उदल के जमाने से इस बुंदेलखंड ने कभी गुलामी के आगे सिर नहीं झुकाया, ये मुझे इस बात का सदैव गर्व रहा है। कोई क्या कर सकता है, कोई यही कर सकता है, कोई खाने को कम देगा, पीने को कम देगा, कोई व्यवस्था छीन लेगा, लेकिन स्वाधीनता तो नहीं छीन सकता है ना। अपने खून का बलिदान देने के लिए जब बुंदेल आगे बढ़ते तो धरती डोलने लग जाती है, कंपायमान होने लग जाता है। वहीं इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंच से संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव को बार बार सागर आने का निमंत्रण दिया। साथियों, आज स्वागत का दिन था। कई लोगों ने हमसे कहा कि भैया मांग लो, मौका अच्छा है, तो हमने कहा ऐसा नहीं, मौके बार बार आना है। अभी मोहन यादव जी को बार बार आना है, वो बहुत बड़ा पिटारा लेकर भी इस सागर में आएंगे। आज तो 100 करोड़ रुपया के भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपन्न हुए हैं। एक मांग जो यहाँ के नगर के विधायक जी ने उठाई है, यहाँ के हजारों नौजवान साथियों की भी इच्छा है। कई लोगों ने कहा कि महिला विश्वविद्यालय खोला जाए, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री, जमाना बदल गया है, आपको आज एक चीज तो कम से कम क्षमा चाहते हुए, हम नहीं मांगना चाहते थे लेकिन यहाँ की इच्छा है, आज आप कृपा करके एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की घोषणा तो करके ही जाइए। ये इसलिए भी कि आप शिक्षा मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्री, आपने पूरे प्रदेश में बहुत विश्वविद्यालय दिए हैं, और अभी 5 दिन पहले कैबिनेट की बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि जैसे सागर में मेडिकल कॉलेज खुला है, क्यों ना पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, मैं पहली बार कह रहा हूं अपने मन से दिल से, जब उद्योग खुलने की बात आई तो हमेशा लोग कहते हैं इंदौर में खोलो, भोपाल में खोलो, जबलपुर में खोलो। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान से सुना और फिर कैबिनेट में कहा, ये भी तो कहो कि बुंदेलखंड में खोलो। जहां आयोजन के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसी सत्र से सागर को नया विश्वविद्यालय मिलेगा। आज में संभाग की समीक्षा करने, वो जो क्रम हमारा जारी है उसमें सागर संभाग की समीक्षा करने आए थे, जन आभार यात्रा भी निकाली, आम सभा भी की है, और कुछ कामन
मांग भी आई थी जिसके आधार पर घोषणा की है। सागर सर हरिंद्र सिंह गौर विश्वविद्यालय जिनने अपने खर्चे पे स्वयं ने बनाया था, वो सागर यूनिवर्सिटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने से यहाँ लोकल लेवल पर बड़ी मांग थी। और इस मामले में आदर्श उदाहरण तो हरि सिंह गौर जी है जिनने अपने खर्चे से बना दी थी। तो हमने निर्णय किया है इसी सत्र से नया विश्वविद्यालय सागर को मिलेगा, जिसके आधार पर ये वर्षों पुरानी मांग का हम समाधान करें। कुछ सड़कों का और बाकी चीज़ों का भी आया उसको भी हमने जाके निश्चित करेंगे। केन बेतवा डैम उसका जो भूमि पूजन होना है बहुत जल्दी तैयारी की। स्थानीय अलग अलग विधायकों के जो जो जिले जिले के प्रस्ताव है, जिन जिलों की कठिनाई है, आपस में अधिकारियों को कहा कि वो मिलजुल करके हल निकालें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि विकास के मामलों में जो भी मांग होगी बहुत जल्दी हम उस पर कोशिश करेंगे कि वो जनता के बीच के निकल के आती है। तो जो प्रबंध कर बता दें कि इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक गोपाल भार्गव भी आयोजन में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।